उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा मुख्यालय में इसको मजबूत करने की कसरत शुरू हो गई। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव से पहले अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ वाहनों के विलय को पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया जाएगा, वहीं अब बुलेट प्रूफ एम्बेसडर कारें किसी भी तरह से वीवीआईपी के काफिलों में नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुराने हो चुके वाहनों को देखते हुए सुरक्षा मुख्यालय ने बीते दिनों शासन को 10 बुलेट फॉर्च्यूनर के साथ साथ सफारी स्ट्रॉम व स्कॉर्पियो के साथ साथ ऐसी स्टार बसों को भी खरीदे जाने का प्रस्ताव भेजा था। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ऐसी बुलेट प्रूफ कारें काफिलों में दिखाई देती हैं। संदीप खे, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।